बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ आपकी खिदमत में मटन कोरबे की ऐसी डिश जो ऑल ओवर पाकिस्तान में बनाई जाती है, लेकिन जायकों के अंदर डिफरेंस आता है। तो ये पंजाब स्टाइल मटन कोरमा है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी ग्रेवी मिलेगी और वह गोश्त मिलेगा, जिसको आप तंदूरी रोटी और रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आपके घर गेस्ट आ रहे हों, ईद हो या फिर कोई भी इवेंट हो, आप इसे बनाइएगा तो सब दंग रह जाएंगे। इसका जायका बहुत ही बेहतरीन होता है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स आने चाहिए। यही टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें, इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। जी जनाब, मटन कोरमा बनाने के लिए हमने मटन लिया है आधा किलो। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे इसकी खुशबू और जायका दोनों ही बढ़ जाएंगे, उनमें इजाफा होगा और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और गोश्त की जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसे हम रैपिड शीट के साथ कवर करेंगे। और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। मैंने एक कप घी लिया है। आप ऑयल की बजाय घी में खाने बनाएं तो वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। और लाइट ब्राउन होने तक इन्हें पकाएंगे। ये देखिए, प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। साबुत लाल मिर्च 3 से 4 अदद, दालचीनी का एक टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेजपात। इससे ना सिर्फ इसकी खुशबू बल्कि जायके में भी इजाफा होगा। साबुत मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम इसमें मटन शामिल कर देंगे। इसमें हम अदरक और लहसुन शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसे पहले ही अदरक और लहसुन से मैरिनेट किया हुआ था। मटन का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मटन का कलर चेंज हो चुका है और इसमें पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद टमाटर, एक कप दही, अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक, ये इसके लिए काफ़ी होगा। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना। बेसिक स्पाइसेस हमने इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इसे कवर करके 30 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। बाकी स्पाइसेस हम बाद में शामिल कर। फ्लेम ऑन कर देंगे। देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। दानेदार सी ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है। अब हम इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए भूनेंगे। याद रखिए, किसी भी डिश की जायके का इंतजार उसकी बुनाई पर होता है। आप इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। 10 मिनट
भुनाई के बाद हम इसमें कुछ मजीद मसाले शामिल करेंगे। दूसरी खुशबू और जायका दोनों को बढ़ाएंगे। एक चम्मच इतना हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच मिक्स गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर। ग्रेवी जबरदस्त से तैयार हो रही है। कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो घी डालते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरमे का घी ऊपर आ चुका है। ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें अच्छी सी फ्रेशनेस लाने के लिए सबक मिर्ची और शामिल करेंगे, इसका जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। फ्लेम हम बंद कर देंगे। आज का हमारा कोरमा मसाला हो चुका है तैयार। आप ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह से मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।